हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई लर्निंग गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की विस्तास बुक का चैप्टर द टाइगर किंग की कहानी। द टाइगर किंग की कहानी को कल्कि कृष्णमूर्ति ने लिखा है, जिनको कल्कि के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति था। उनका नाम हिंदू भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के नाम पर रखा गया था। उनके लेखन में 120 से अधिक लघु कथाएं, 15 उपन्यास, 3 ऐतिहासिक रोमांस शामिल हैं। इनका जन्म मानल मेडू विलेज, जो नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में 9 सितंबर 1899 में हुआ था। इनका निधन 5 दिसंबर 1954 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आइए द टाइगर किंग की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिफोर यू रीड में हमको ये जानना जरूरी है कि जंगली जानवर के प्रति मनुष्य का सामान्य दृष्टिकोण क्या है। व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, जिसका मतलब है आम तौर पर लोग जंगली जानवरों से डरते हैं क्योंकि उनकी क्रूरता और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन कुछ लोग अपने कर्तव्य दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल या उनका शिकार करना, उनका शोषण करते हैं, और कुछ लोग तो जानवरों को पैसा कमाने के लिए मार डालते हैं। द टाइगर किंग की कहानी में प्रतिबंधपुरम के राजा जिलानी इस कहानी के हीरो हैं, और उनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे जमीदार जनरल, खिलेदार मेजर, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, श्री जिलानी जुंग जुंग बहादुर, M.A.D, A.C.T.C, C.R.C.K, और ये सारे शॉर्ट नेम अक्सर टाइगर किंग के थे। मैं आपको बताऊंगा कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता था। राइटर कल्कि बताते हैं कि कहानी के शुरू में ही कुछ अनिवार्य बातें थी जो बतानी बहुत ज़रूरी थी टाइगर किंग के बारे में, ताकि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वह हर कोई ऐसे शक्तिशाली टाइगर किंग से फेस टू फेस मिलना चाहेगा, जो कि मिलना संभव नहीं है। जैसे भरत ने राम को पिता दशरथ की मृत्यु के बारे में बताया था, वैसे ही लेखक कल्कि हमको टाइगर किंग के बारे में बताएंगे जो अब मर चुके हैं। जैसे ही टाइगर किंग का जन्म हुआ, वैसे ही उनकी मृत्यु के बारे में ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी और कहा, ये बच्चा योद्धाओं का योद्धा, हीरोज का हीरो, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। इतना बोलकर चुप हो गए। जब ज्योतिषियों को भविष्यवाणी पूरा करने के लिए बोला गया तो वो डर डर कर बोलने लगे कि इस बच्चे का जन्म इस राशिफल के अंतर्गत हुआ है, और जिसका मतलब कि इस राशिफल के अंतर्गत पैदा होने वाले बच्चे को एक दिन अपनी मौत को पूरा करना होगा। उसी समय चकित करने वाली आवाज में बच्चे के मुंह से एक सवाल आया, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि बच्चा अभी सिर्फ 10 दिन का था, जिसका नाम जिलानी जुंग जुंग बहादुर था। ज्योतिषी सारे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे कि तभी फिर से आवाज आई, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, यह मैं था जो बोला। और सब लोग समझ गए कि यह 10 दिन का किंग जिलानी जुंग जुंग बहादुर बोल रहा है। ज्योतिषी ने अपना चश्मा निकालकर बच्चे की नाक पर हाथ रखकर देखा, और बच्चे ने एक ची ची कम आवाज में बोला, अरे भविष्य वक्ताओं, ये सब जानते हैं कि जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा, लेकिन आप सबकी भविष्यवाणियों की जरूरत हमको इसलिए है कि अगर आप लोग बता सकते हो कि जो मेरी मृत्यु होगी उसको मैं कैसे पहचानूं कि वो कैसे आएगी। मुख्य ज्योतिषी को अविश्वसनीय और बुद्धि प्रश्न सुनकर के ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई इमरजेंसी घोषणा हुई हो। ज्योतिषी ने कहा, राजकुमार का जन्म वृषभ राशि यानी बैल के लग्न में हुआ है। बैल और टाइगर दुश्मन है, इसीलिए राजा की मृत्यु का कारण टाइगर होगा। इतना सुनकर राजकुमार जुंगजुंग बहादुर बोले, बाघों से सावधान रहे, लेट टाइगर्स बीवेयर। राजकुमार जुंगजुंग दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे, और इनके बचपन में और कोई भी चमत्कार नहीं हुआ सिवाय जो बताया गया। राजकुमार ने इंग्लिश गाय का दूध पिया और इंग्लिश टीचर से शिक्षा ली, और यहाँ तक कि इंग्लिश भाषा में ही फिल्में देखने लगे, जैसे दूसरे राज्यों के उस समय के राजकुमार करते थे।
ज्योतिषी की राजकुमार के बारे में भविष्यवाणी सबको याद थी और ये मैटर राजा के कानों में आ गया था। और प्रतिबंधपुरम में असंख्य जंगल थे तो राजा के दिमाग में बात आई कि आप अपने बचाव के लिए गाय को भी मार सकते हैं। इस पहेली से उन्होंने टाइगर को मारने की ठान ली। महाराजा काफी रोमांचित हुए जैसे ही उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा और उन्होंने ज्योतिषी को मैसेज भेजा कि मैंने पहला टाइगर मार दिया है। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आप 99 टाइगर्स मारने के बाद 100वें टाइगर्स को ध्यान पूर्वक मारें। इतने में राजा ने पूछा कि अगर मैं 100वां टाइगर मार दूं तो क्या होगा। ज्योतिषी बोला अगर आप 100वें टाइगर को मारोगे तो मैं एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स फाड़ दूंगा, अपनी सारी किताबें जला दूंगा और साथ ही साथ मैं अपने लंबे बालों को कटवा के एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उस दिन के बाद प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर को नहीं मार सकता था राजा के सिवाय। अगर कोई मामूली पत्थर भी टाइगर को मारेगा तो उसकी सारी जमीन पैसा जब्त कर लिया जाएगा। ये राजा द्वारा आदेश लागू किया गया था। महाराजा ने प्रण किया कि वो सारी मीटिंग सब 100वें टाइगर्स के मारने के बाद ही अटेंड करेंगे। शुरू में काफी मुश्किल हुआ राजा को टाइगर्स मारना और राजा पर कई बार टाइगर्स ने झपट्टा मारा और बंदूक की गोली कई बार मिस हुई, लेकिन राजा हर बार जीत जाता था। कुछ समय बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स दुराई प्रतिबंधपुरम में टाइगर मारने के लिए आए और राजा से कहा कि वो वहां पर टाइगर्स को मारना चाहते हैं, पर राजा ने मना कर दिया और बोले हम आपको मच्छरों और सुअर को मारने का परमिशन दे सकते हैं लेकिन टाइगर्स का नहीं। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा कि राजा टाइगर्स को खुद मारे और मुझे एक मरे हुए टाइगर के साथ बंदूक पकड़े हुए फोटो खींचने का मौका दें, लेकिन राजा ने वो भी अस्वीकार कर दिया ये सोचकर कि कहीं ये तस्वीर देखकर बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी फोटो खिंचवाने ना आ जाएं। राजा के मन में दूसरी तरफ राज्य खोने का डर भी था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मना किया एक टाइगर हंट के लिए। लेकिन राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को कुछ हीरों से बने आभूषण, कलकत्ता के मशहूर ब्रिटिश आभूषण विक्रेता से कुछ डायमंड रिंग्स के आभूषण भिजवाए। डायमंड रिंग्स का एक पूरा 50 रिंग्स का सेट भेज दिया और कहा कि इसमें से ऑफिसर की वाइफ एक या दो पसंद करके बाकी वापस भेज दें। आभूषण पाते ही ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने राजा का धन्यवाद किया, साथ ही साथ राजा को 3 लाख का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स कलकत्ता से आया और राजा को 3 लाख का नुकसान हुआ। राजा को 3 लाख का नुकसान जरूर हुआ पर वो खुश थे कि इस तरह से राजा ने अपना राज्य बचा लिया था। राजा का टाइगर हंट कंटिन्यू था और 10 सालों में राजा ने लगभग 70 टाइगर्स मार गिराए। उसके बाद राजा का मिशन थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि प्रतिबंधपुरम में अब टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई थी। जो लोगों का मानना था कि या तो टाइगर्स डरकर भाग गए होंगे और या तो टाइगर्स प्रतिबंधपुरम के जंगलों से भागकर ब्रिटिश ऑफिसर्स से मरना चाहते होंगे। एक दिन राजा ने दीवान को बोला कि दीवान जी आपको मालूम है कि अभी 30 टाइगर्स बाकी हैं जो मेरी बंदूक से मरने हैं। बंदूक से डरकर दीवान जी बोले महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। इतने में राजा बोले दीवान जी मैं जानता हूँ आप टाइगर नहीं हो, आप बिल्कुल ना डरें, और बोला आज यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अब शादी करना चाहता हूं। इतने में दीवान जी बोले महाराज मेरे पास पहले ही 2 बीवियां हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। राजा मुस्कुराए और बोले नहीं दीवान जी, अब हमारे जंगल में टाइगर्स खत्म हो गए तो आप मेरे लिए एक ऐसे राज्य की रानी ढूंढो जिनके जंगल में टाइगर्स होंगे ताकि मैं अपना 100 टाइगर्स मारने का सपना पूरा कर सकूं। दीवान जी ने राजा का विवाह धूमधाम से करवाया और जब भी राजा अपने ससुराल जाते थे तो 5 से 6 टाइगर्स मार कर आते थे। इस तरह से राजा ने 99 टाइगर्स मार गिराए जिनकी चमड़ी उनके स्वागत कक्ष में विभूषित की गई। अब महाराज की टाइगर्स मारने की व्याकुलता रात दिन सताने लगी। ससुराल के जंगलों में भी अब टाइगर का नामो निशान नहीं दिख रहा था और राजा हमेशा हमेशा के लिए टाइगर्स का शिकार करना छोड़ देना चाहते
थे, पर सौवें टाइगर्स मारने के बाद पहले उनको अपनी मृत्यु का डर भी समाप्त करना था। राजा को मालूम था कि सौवें टाइगर पे उनको सावधान रहना होगा, जैसे ज्योतिषी ने कहा है। राजा के लिए सौवां टाइगर ढूंढना मुश्किल काम हो गया था। कुछ समय बाद राजा को एक खुशखबरी मिली कि गाँव के लोगों ने एक टाइगर को देखा है, और राजा ने गाँव वालों को विश्वास दिलाया कि अगर राजा इस सौवें टाइगर को मार देते हैं तो अगले 3 सालों तक का कर्जा माफ कर देंगे। ये सुनकर गांव वाले खुश हो गए और राजा ने कहा कि इस टाइगर को कहीं जाने ना दिया जाए, सारे ऑफिसर्स ध्यान रहे, वरना उनकी जॉब भी जा सकती है। राजा ने बहुत ढूंढा लेकिन टाइगर नहीं मिला, और राजा क्रोधित होकर किसानों का कर्ज दोगुना करने के लिए कहने लगे। राजा बोले कि ऐसी हालत में हम ब्रिटिश रूलिंग पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएंगे। ऐसा सुनकर दीवान जी को बड़ी आपत्ति महसूस हुई और मद्रास के पीपल्स पार्क में से एक टाइगर लेकर के अपने घर में रख दिया, और रात में टाइगर को अब घसीटकर अपनी पत्नी के साथ उस जंगल में ले गए जहां राजा शिकार कर रहे थे। यह एक बूढ़ा टाइगर था जो डरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने इस टाइगर पर गोलियां चलाई लेकिन वो गोलियां बूढ़े टाइगर पर नहीं लगी, और बूढ़ा टाइगर डर के मारे मूर्छित हो गया। साथ ही साथ सिपाहियों में से अब एक ने इस टाइगर को मार दिया, क्योंकि उन सबको डर था कि कहीं राजा को पता न चल जाए और वो अपनी नौकरी खो बैठेंगे। इस तरह से इस मरे हुए टाइगर का जुलूस पूरे गांव में निकाल के इसको दफनाया गया, और राजा बहुत प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सौवें टाइगर को भी मार गिराया। कुछ दिन बाद राजा के तीसरे बेटे का जन्मदिन था, और तब तक राजा ये बात भूल चुके थे कि वो सौवां टाइगर सचमुच में उन्होंने मारा है या नहीं। तो अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए वो प्रतिबंधपुरम के मार्केट में से एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर ले आते हैं, जो शिल्पकार की अंतिम कला है। इस तरह से राजा इस आर्टिफिशियल टाइगर को घर लेकर आते हैं और अपने बेटे के साथ इससे खेलते हैं, लेकिन राजा के हाथ में एक लोहे का नुकीला हिस्सा इस आर्टिफिशियल टाइगर से चुभ जाता है, जिससे राजा के पूरे शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है। और देखते ही देखते राजा को महान डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया लेकिन राजा की मृत्यु हो गई, और इस तरह से राजा की मृत्यु एक टाइगर से हो गई। तो ये था स्टूडेंट्स आज की कहानी की डिटेल हिंदी समरी। अब मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों को आपको लगता है कि इस चैप्टर को समझ नहीं पाए हों उन फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।